सुप्रसिद्ध तीर्थ मेयर में शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालु जनों के भीड़ प्रबंधन और उनकी सुरक्षा को लेकर कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। उस बैठक में सीओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी शामिल हुए। एसडीएम सुरेश जाधव ने बताया कि नवरात्रि मेले में औसत रूप से 1.25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, पेयजल, सफाई, विद्युत आदि की तैयारी की जा रही है। मेला स्थल में विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा स्टॉल रहेंगे। दर्शन व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि मेले के दौरान गर्भगृह में वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूर्णतः वर्जित रहेगी। वहीं मंदिर पहाड़ी पर वन विभाग के सुरक्षा कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रात्रि में रामलीला मंचन और अन्य सांस्कृतिक भक्तिपूर्ण कार्यक्रम भी किए जाएंगे। आने वाली नवरात्र में जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ 3 प्रकार से श्रद्धालु माता के अंदर तक पहुँचते हैं। एक वैन है सड़क मार्ग से जाती है, एक सीढ़ियाँ हैं जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु जिनसे जाते हैं, और एक रोपवे है, रोपवे के माध्यम से भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। तीनों ही तरीकों से जाने वाले लोगों को पुलिस के लिए सुरक्षा के हिसाब से